अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी तीसरी वीडियो की तरफ जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि ये अगर आप पिक्चर देख रहे होंगे तो इसमें मैंने सामने एक थोड़ा सा एक ड्रॉइंग की है राइटिंग आउटलाइन इसमें आपको दो काम कर रहे हैं अगर आपको दो इसमें फिगर नज़र आ रहे हैं नंबर वन आपको एक डॉट बोर्ड नज़र आ रहा है और इसके अंदर मैंने एक एरो शूट किया हुआ है अगर आप इसको गौर करें तो आउटलाइन इज़ जस्ट लाइक शूटिंग एन एरो और थ्रोइंग अ डॉट बिकॉज यू हैव टू हिट द बुल्स आई अदरवाइज़ यू वॉन्ट बी एबल टू गो थ्रू योर टास्क एंड सेकेंडली अगर आप देखें तो आपको एक केक नज़र आ रहा है तो इसको मैं एक्सप्लन करता हूँ बेसिकली केक का मकसद ये है कि अगर आप किसी जगह पे केक लेने के लिए ले जाते हैं किसी बेकरी में जाते हैं तो आप गौर किया होगा आपने अक्सर हम देखते हैं कि जो केक आपको अपेन्टली थोड़ा अपील करता है जिसकी टॉपिंग खूबसूरत है तो आप उस केक को लेना पसंद करेंगे उसकी वजह यह है कि आपको वो एक, एक इंटरव्यू मैगजीन में मैंने खूबसूरत सा कोटेशन पढ़ी एक एक्ट्रेस थी और उसकी बड़ी मुझे अपीलिंग एक लाइन लगी बड़े स्ट्राइकिंग वर्ड थे उसके उसने कहा कि ब्यूटी इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेम केस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ऐसे राइटिंग के अंदर जो सबसे पैरा वैल्यू चीज रखती है वो आपकी राइटिंग आउटलाइन अगर आप आउटलाइन इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव और uh, समय लेकर अपीलिंग बनाने में नाकाम रहते हैं तो आपका एग्जामिनर आपके पेपर को पढ़ने की जो है ना वो आ, उसमें उसको कोई पेन देने की जरूरत नहीं हो वहीं पे उसको छोड़ेगा आप समझ कि ये आपकी आउटलाइन बेसिकली इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये आपका एक जो है वो एक लाइक कास्टिंग वोट है जो कि आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो ऐसे है वो पास करेगा या नहीं करेगा इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट विल डिसाइड whether यू आर गोइंग टू क्वालिफाई सी एस एस पी एम एस और नॉट तो चलते हैं इसकी तरफ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह केक का ऊपर वाला हिस्सा टॉपिंग जो है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए पीलिंग होनी चाहिए इट डिपेंड्स लेटर दैट वट एक्चुअली हैज़ बीन इंक्लूडेड इन इट्स फॉर्मुलेशन और इट्स इन्ग्रीडियंट्स सो इन द सेम वैनर वी शुड मेक आवर आउटलाइन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स शुड बी वेरी कैची अदरवाइज योर एग्जामिनर वॉन्ट बी एबल टू जज योर एसे इन यू मे से वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग मैनर तो चलते हैं सबसे पहले मैं इसमें पांच जो प्रिंसिपल्स हैं अच्छा इसमें मैं बता दूं आपको जो मेरी बुक आएगी इंशाल्लाह ताला उसके अंदर मैं आपको डिटेल में मैंने सारी चीज़ें नोट की हैं और या पर मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा इसके बारे में बता सकता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है उस बुक के अंदर तो मैंने 400 इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी दिए हैं जो कि आपकी जो आउटलाइन है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मतलब मैंने एक एक सेगमेंट पे बड़ी डिटेल में काम किया मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान में इन शाला तला आपको इस लेवल की बुक नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसे एक बड़ा एक बड़ा अप हिल टास्क है बड़ा हरक्यूलियन टास्क है जिसको गो थ्रू करना एक बड़ा समझा जाता है कि इट्स जस्ट लाइक टू क्लाइंब और इट्स जस्ट लाइक टू यू मे से टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट यू में से सो बेसिकली इस चलते हैं पाँच स्टेप्स की तरफ अगर आप इनको फॉलो करते हैं यू विल बी ईजिली मेक योर आउटलाइन इंटरेस्टिंग हर चीज़ दोस्तों प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई माँ के पेड़ से लेके पैदा हुआ है अगर आप इन uh, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं आई होप यू विल भी एबल टू मेक योर ऐसे स्पेशली योर आउटलाइन वेरी इंटरेस्टिंग सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रॉपर अरेंजमेंट जब इससे पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया कि जब आपने ब्रेन स्टॉमिंग कर ली है जब अपने आइडियाज जनरेट कर लिए हैं तो आपने करना क्या है उन आइडियाज़ को आपने बिल्कुल यूं ही नहीं ला के सेट कर देना बल्कि उसको आपने एक प्रॉपर तरीके से जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो ज़्यादा मोस्ट रेलिवेंट आइडिया है उसको चूज़ करना है और उसका सबसे नंबर टॉप प्रायोरिटी पे लेके सबसे ऊपर ले जाना है इसी तरह जो आप समझते हैं कि ग्रेजुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आइडियाज़ लेस सिग्निफिकेंट हैं लेस इंपॉर्टेंट हैं उनको आप uh, नीचे अरेंज करते जाएं और अगर आप समझते हैं कि वो आइडियाज़ वहाँ पे इरेलीमेंट रह गए हैं उनको तो आप वहीं पर रेंस्टॉर्मी के अंदर इनको डिस्कार्ड कर दें या उनको आप डस्टबिन कर दें सेकेंड नंबर पे प्रॉपर अरेंजमेंट के बाद जब अपने आउटलाइंस आपने अरेंज करनी है तो उनको आपने बड़ी सीक्वेंस के साथ बड़ी उसके टास्क के साथ अरेंज करके उसको अरेंज करना है सेकेंड नंबर पे जीरो आर्टिकल जब आपने आउटलाइन लिखनी है ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने जीरो आर्टिकल यूज़ करना है जीरो आर्टिकल क्या है अगर आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वो उसके अंदर ए एन डी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता इसको कहते हैं जीरो आर्टिकल इससे क्या होता है कि आपकी जो आउटलाइन है वो एक इंटरेस्टिंग फीचर बन जाता है और बल्कि नहीं लगती वो एक बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी कैची सी बन जाती है जैसे मैं एक्सपोज आपको मिसाल देता हूँ इसराइल अटैक्स पैलेस्टाइन या इस तरह की और वो उसमें दी एन वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा फिर इसी तरह जो नंबर थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज अच्छा इसमें मैं एक और चीज बताता चलू जब आपने आउटलाइन लिखनी है तो आपके जो की हैं आमतौर पर हम सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं तब कैपिटलाइज़ करते हैं फर्स्ट वर्ड को फ़र्स्ट uh, लेटर को लेकिन जब आपने आउटलाइन लिखनी है तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपने उसके जो जितने भी अंदर वर्ड्स हैं लाइक इसमें मैंने एक मिसाल दी हुई है जैसे कोरोना वायरस हॉन्ट्स एशिया तो उसमें जो सी है वी है एच है और ए है इन सबको बड़ा लिखना है क्योंकि आउटलाइन का एक प्रिंसिपल है फर्स्ट वर्ड हर फर्स्ट लेटर हर वर्ड का जो है वो कैपिटल आएगा इसके अंदर जो प्रपोजिशनल वर्ड्स हैं ऑफ वग़ैरह उनको आप छोटा लिखेंगे टू हो गया फिर इसके बाद आ गया जी स्ट्राइकिंग वर्ड्स या आइडियोमेटिक फ्रेजेस ये आपने आपकी आउटलाइन को ये आपको इसमें थोड़ा सा आप समझने के पहले से है आ, प्री मेडिटेट करके इसको प्री एक्सरसाइज करके आपको अरेंज करना पड़ेगा अदरवाइज पेपर के अंदर जाके आप इस तरह नहीं कर सकते आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हैं जितनी मर्जी आपका वर्ड बैंक है लेकिन आपको कुछ तरह की लिस्ट जो है वो मेरी बुक में आपको इन मिल भी जाएगी जिस तरह में मिसाल मेरी से मरादा है स्ट्राइकिंग वर्ड से मेरा क्या मरादा है जैसे मैंने कहा आगे मिसाल देखिए पार्लियामेंट इज़ लाइक टूथलेस टाइगर अब इस तरह की जो टर्म्स हैं टूथलेस टाइगर हो गया या अपहिल टास्क मैंने एक मिसाल दी है इस तरह के कुछ ईडियम मैंने जमा किए हैं या इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो टर्म्स हैं जो कंपाउंड वर्ड्स हैं जो आपको बड़ा अपील कर सकते हैं आपकी आउटलाइन को बड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो आप काइंडली उन पर वर्क करें अगर आपके पास थ्री टू तो फोर इस तरह के वर्ड्स हैं तो आप ईजीली उनमें से चूज़ करके आप उनको यूज़ करके अपनी आउटलाइन को बड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं दैन ऑन नंबर फोर इज इट शुड बी क्रिस्पी ब्रीफ एंड कंप्रीहेंसिव दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्पी से क्या मरादा है ऐसी लगे जैसे आपको इंटरेस्टिंग चीज खा रहे हैं आउटलाइन पहली नज़र में जो स्ट्राइक करे एग्जामिनर को तो ऐसा शो कराए कि वो बड़ा उसके अंदर कोई क्रिस्पीनेस है तीखा पानना है ऐसे अल्फाज यूज करें ब्रीफ से मेरी मुराद है कि शॉर्ट वर्ड्स बहुत ज्यादा लंबी सेंटेंसेस वाइज कई लोग करते हैं पूरी पूरी फिक्रे दो दो फिक्रे जोड़ के आउटलाइन बना रहते हैं दैट विल लूज इट्स चार एंड ब्यूटी सो बेसिकली यू शुड हैव टू कीप दिस फैक्ट इन माइंड दैट वेवर यू आर गोइंग टू राइट योर आउटलाइन यू शुड बी वेरी क्रिस्पी ब्रीफ एंड नंबर थर्ड इज कम्प्रीहेंसिव वट डू यू मीन बाई कम्प्रीहेंसिव यू शुड यूज सच वर्ड्स दैट कन्वे द सिचुएशन जो ओवरऑल उस पूरे टॉपिक को उस पैराग्राफ को जो है ओवरलैप कर लें कंपाउंड कर लें रैप कर लें लाइक like इस तरह के वर्ड्स हों जो कि पूरी सिचुएशन को थोड़ा बहुत उसका हिंट करें एंड नंबर फाइव अवॉइड रेपिटेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट आउटलाइंस यू शुड नॉट यूज सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन बिकॉज इट विल शो दैट यू आर इनमेर राइटर and it will lose your beauty you should try to raise your word bank you should try to uh, increase your uh, ideas and increase your words not you should try to otherwise you will be able you won't be able to uh, uh, give it a very interesting look or outlook so basically these are the five principles that you can uh, if you adopt if you follow these principles you will be able to write a good outline and again i would like to say in the end that outline is the keystone is the cornerstone is the key feature that will uh, guarantee that will ascertain or that will decide that whether your essay is going to be passed or not. So you please you should focus outline is a very important segment. Or my book shall insha'Allah detail means I chapter written, but the chapters You will be very you will get.